हाँ जी मम्मा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। तो फिर क्या कहते हैं, आज कैसी चल रही तैयारी? बहुत सारी तैयारी चल रही है। और क्या बनाने वाले हैं अपन आज? हाँ, राइस वगैरह। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द गुड वाइफ चैनल। तो आप मेरी गुलिया को इग्नोर करिएगा, और आप सोच रहे कि इतना क्यों थका हुआ है, तो आप लोगों को पता है कि 2K का सेलिब्रेशन होने वाला है, सो इसका प्रिपरेशन चल रहा है। और काम अभी तो कल है सेलिब्रेशन, पर आज से ही तैयारी शुरू करती है। जो घर में भी से अगर गेस्ट वगैरह आएंगे तो साफ सफाई भी होनी चाहिए, तो मैंने सारी चीज़ें करना अभी स्टार्ट करी है। कुछ चीज़ें मैंने मार्केट से लिखा है और कुछ चीज़ें मैं सुबह लेने जाऊँगा, तो ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। तो अभी ये ब्लॉग इसके लिए बना रहा हूँ कि मैंने पार्टी के लिए क्या क्या प्रिपरेशन कर रहा हूँ और क्या क्या होने वाला है, ये सब आपको प्रिपरेशन दिखाऊंगा। और जो मेन ब्लॉग रहेगा सेलिब्रेशन का, वो अगला रहेगा, इसके बाद जो ब्लॉग आएगा। सो ब्लॉग आप स्टे ट्यून रहेगा, और सब्सक्राइब अगर तक नहीं किया होगा तो 2000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और सभी को वीडियो पसंद आ रहे हैं, और अब तक अभी आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको तभी देखने को मिलेगी। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आज की खूबसूरत दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं भी काफ़ी सारा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज मेरे कई सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं और हमारे घर पे एक छोटी सी पार्टी होने वाली है 2K and 2 years सेलिब्रेशन की। तो काफ़ी अच्छा एंजॉय होने वाला है और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक्चुअली इस दिन के बारे में कभी मैंने सोचा नहीं था कि ये दिन भी कभी आएगा, 2K फॉलोवर्स भी हो जाएंगे और 2 साल भी हो जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें अब हो रही है और मेरे लिए काफ़ी हैप्पी मोमेंट है। क्या बोलो आपसे, खुशी है बहुत, बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, पर आपको फिर ऐसा ना लगे कि बोर करना है। चलो तो फिर मम्मी से भी मिलते हैं, बातें करते हैं, और आपको जो कुछ भी प्रिपरेशन मैं करूँगा आज के दिन में, मुझे ना सबसे पहले तो बिरयानी बनानी, वेज बिरयानी, तो उसके लिए कई सारे मटेरियल वगैरह लगेगा और काफ़ी मेहनत भी लगेगी, तो उसके बारे में सोच रहा हूँ कि कैसे करेंगे क्या करेंगे। और उसमें लिए आज मेरा फास्ट है और फ्राइडे मेरे लिए बहुत खास होता है, और फ्राइडे मैं बता नहीं सकता, और आज फास्ट है तो मेरा उपवास भी है, तो वो सारी चीज़ें भी रहेंगी। तो मैं सबसे पहले अभी उठ गया हूँ, रेडी हो चुका हूँ, क्लीनिंग वगैरह मैंने ऊपर की कर ली है, बस नीचे की करनी है और पार्टी का प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले मेरी जो पूजा है वो मैं कर लेता हूँ और उसके बाद मैं पार्टी का प्रिपरेशन के लिए करूँगा। मार्केट भी जाना है, बहुत सारी चीज़ें लानी है, तो चलो जल्दी 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 काम करते। हाँ जी मम्मा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। तो फिर क्या कहते हैं, आज कैसी चल रही तैयारी? बहुत सारी तैयारी चल रही है। और क्या बनाने वाले हैं अपन आज? राइस वगैरह और बटाटा वड़ा। अच्छा, तो काफी सारा एंजॉय आने वाला है। और आप कहाँ जा रहे हैं वो भी बता दो। आज मैं पिक्चर जाने वाली हूँ। कौन सी मूवी देखने के लिए जाइए? भाई पण भारी देवा। भाई पण भारी देवा। तर महाराष्ट्रात हा मूवी खूप जोरात चालू आहे आणि आमच्या म्हणजे मम्मीचे सगळ्या फ्रेंड्स आहे, तर त्या सर्वजण आज मूवीला जाणार आहे। मग माझी पार्टीची तयारी कोण करेल? बरं ठीक आहे। आणि क्या बोलना चाहोगे आप कि हमारे फ्रेंड्स लोगों को, 2 साल कंप्लीट हो चुके, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा ही चलता रहे ऐसा। और 1 लाख की भी सेलिब्रेशन हो ऐसा? हाँ, 1 लाख की भी सेलिब्रेशन हो गई। तो अब तब सबको पार्टी देंगे, सही है? हाँ सही। तो मेरी मम्मी की थी इच्छा थी कि रेस्टोरेंट में ही पार्टी दे, क्यों मम्मी आपको होटल में जाना था? हाँ होटल में जाना था, पर होटल में कैसे फिर वो जाना, बारिश का टाइम है, इसलिए घर पे ही हमने सोचा कि घर पे थे इस बार, तो जब 3K हो जाएंगे तब होटल में जाएंगे। हो चलेगा बेटा, आज तो घर पे ही एंजॉय करेंगे। हो चलेगा। तो सारे टेबल वगैरह क्लीन कर दिए और यहाँ पर कुछ स्नैक्स वगैरह रखे, चाय भी बन गई है सुबह की चाय, और यहाँ पर मैं बैठ गया हूँ थोड़ा सा पूजा पाठ करने के लिए, जो कि मेरे फ्राइडे के दिन रहता है। और बहुत ही अच्छे गुलाब के फूल मुझे यहाँ के दिन मिल गए थे, तो मैंने यहाँ पर अच्छे से पूजा वगैरह भी कर ली। अभी मैंने जो मेरी पूजा पाठ होती वो भी कर ली है, और बस अभी मैं मार्केट के लिए निकलूंगा थोड़ी देर में, बस फिर तो चीज़ें लेने के लिए चलते। मेरी पार्टी हो और कोई गड़बड़ ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो फिर मम्मी भी अभी पिक्चर को चली गई है और मैं अभी अकेला हूँ घर पर और पार्टी की तैयारी कर रहा हूँ। तो वेज बिरयानी यहाँ पर बन रही है, तो उसका प्रिपरेशन कर रहा हूँ, चलो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ मैंने काट ली है और पनीर वगैरह भी कट कर लिया है, चावल अच्छे से धो लिए, टमाटर की प्यूरी भी साथ में कर ली, और यहाँ पर चावल के लिए पानी भी चढ़ा दिया है। तो ये
पनीर मैरिनेट कर रहा, साथ में मेरे बिरिस्ता भी तैयार हो रहा जो कि बिरयानी में खास तरीके से डलता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने सारे खड़े मसालों के साथ पानी में उबाल के लिए चावल भी दे दिए और यहाँ पर मैंने सारी सब्जियाँ जो होती वो फ्राई कर ली। और यहाँ पर इस तरह से मैंने कुछ सब तैयारी करके रखी थी। तो बस अभी बाकी की बिरयानी की तैयारी हो चुकी थी, बस लेयर लगाना था। तो नीचे मैंने सबसे पहले ऑयल वगैरह डाल दिया और उसके बाद ये जो मैंने मिक्स वेज बनाई थी, मतलब बिरयानी का जो मसाला रहता है स्पेशली, तो वो बना लिया है अभी। तो बस बिरयानी को सेट करने में अभी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको बिरयानी का मसाला लगा देना है और उसके बाद आपको जो आपने बनाई बिरयानी के लिए जो चावल वाइट कलर का बना है, तो बस उसे भी आपको अच्छी तरीके से सभी तरह जगह फेर देना है। मुझे वेज बिरयानी काफ़ी पसंद है और मेरे हाथ की जो बिरयानी वो काफ़ी अच्छी तरीके से बनती है। तो बस मैंने आज सोचा था कि आज पार्टी के दिन ये बिरयानी वगैरह बनाते हैं, जल्दी से भी बन जाती है। मुझे कम से कम मतलब आधे पौन घंटे में मेरी बिरयानी जो रेडी हो चुकी थी और काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने उसको सेट भी कर लिया था। और जल्दी जल्दी मैंने दोपहर में सारी तैयारी कर ली थी, क्योंकि फिर जब आपका पार्टी का टाइम आता है तो फिर आपको रेडी भी होना होता है और बाकी के भी बहुत सारी अरेंजमेंट होती है, दोस्त आते हैं ऐसा वैसा, तो बहुत काम भी रहते हैं। तो हमें अच्छी तरीके से पहले ही सब मैनेजमेंट करके रखना चाहिए, जिससे जो हमारा टाइम पे मतलब भागा दौड़ी नहीं होती किसी भी प्रकार की। तो मैंने भी बस दोपहर में ही सारा काम फटाफट फटाफट करते जा रहा था और एक साथ में दूसरे भी मेरा काम था वो भी मैंने कर लिया था। तो बस बिरयानी वगैरह यहाँ पर रेडी हो चुकी है और आखिर में आपको इस खूबसूरत से इसे फूड कलर मिला, नहीं आप नहीं भी मिला सकते क्योंकि कोई कोई लोगों को पसंद नहीं होता है, पर अच्छा लगता है जब आप अलग अलग कलर के चावल मिक्स होते हैं वहाँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और मुझे ये जो सीन है वो भी मतलब बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए भी। तो फिर मैंने भी, मेरे पास थे अवेलेबल कलर, तो मैंने यहाँ पर तीन कलर डाल दिए, ऑरेंज, एक ग्रीन कलर और रेड कलर। तो इससे भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और बाद में हम मिलाएंगे इसके ऊपर बिरिस्ता, मतलब ये जो हमने प्याज फ्राई कर लिए तो ये भी काफ़ी टेस्टी लगती है, कैरामलाइज होती है जब। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बिरिस्ता वगैरह डाल लिया और यहाँ पर हमारी जो है तो धनिया पत्ती भी डाल दी मैंने ऊपर से और हमारी यहाँ पर बिरयानी रेडी हो चुकी है। तो फाइनली मेरी बिरयानी बन गई। यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं, अभी आपको इधर बलून्स वगैरह दिख रहे हैं और ये पंप भी मैंने लाया हवा भरने का, एयर पंप बोलते हैं इसे। और तो ये मुझे कुछ 60 रुपये का मिला, सही के प्राइस। और यहाँ पर हमारे बलून और यहाँ पे मेरा रिंग लाइट लगा हुआ है और यहाँ पे मेरे बलून नाच रहे हैं मेरी 2K सब्सक्राइबर होने की खुशी में। और यहाँ पर आदित्य भाई मुझे स्टेटस का फोटो दे रहा है। तो कैसा लग रहा है आदित्य, मेरे 2K हो गए तुझे, अच्छा लग रहा है? तो बोल के बताना, फिर शाम को बोलेगा। अच्छा, वो शाम को बताने वाला है कि कैसा। मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं मेरी खुशी जाहिर बता नहीं सकता, इतना खुश हो गया हूँ। फाइनली 2K लग गया और जब 1K लगा था तभी भी मुझे बहुत खुशी थी और अभी भी बहुत हो रहा है क्योंकि जल्दी हो गया काफ़ी। और ये दिन आएगा ऐसा कभी सोचा नहीं था, तो सेलिब्रेशन तो बनता है और अपनी खुशी हम नहीं सेलिब्रेट करेंगे तो कौन करेगा, सही कि नहीं? तो इसलिए सेलिब्रेशन करूँगा और उसका एंजॉय भी करूँगा आप लोगों के साथ। आप क्योंकि आप मेरी YouTube की फैमिली हो और मेरे हर एक मेंबर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो भी 2000 लोग हैं तो उनको सभी को थैंक यू। और आप भी खुश रहिएगा, प्यार बांटिएगा और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करिएगा। कुछ इस तरह के लेटर वगैरह लाए हो जो गुड वाइफ्स के नाम के बनेंगे और ये बॉल्स वगैरह गेम्स वगैरह के लिए ईयर का। और ये बलून फूट रहे एक एक करके और यहाँ पर ये भाई खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड फ्रेंड्स। अभी इवनिंग टाइम हो चुका है और मम्मी अभी तक नहीं आई है और यहाँ पर हमने चाय वगैरह पी ली। तो आज बाबा भी हमारे घर पर आए हुए तो काफ़ी अच्छा हुआ, तो सेलिब्रेशन में बाबा भी हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। और यहाँ पर अभी चाय वगैरह मैंने बनाई है और बाबा भी चाय वगैरह पी रहे, तो ऐसा कुछ हमारा अभी का चल रहा है। और मेरा जो डेकोरेशन था अभी था, आदित्य आया तो आदित्य ने भी काफ़ी सारी हेल्प की, तो बहुत सारा काम था वो कम हो गया और अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ है तो थोड़ा मैं भी रिलैक्स हो जाता हूँ, क्योंकि सुबह से गाइस बहुत काम करना पड़ता है। आपको लगता है ब्लॉगिंग करना आसान बात है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। कुछ भी चीज़ दिखानी हो तो आपको पूरा प्रिपरेशन करना पड़ता है, सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती है, फिर आपको जाकर अच्छी वीडियो दिखती है। और उसके पीछे अगर पार्टी भी कर रहे हैं तो पार्टी की प्लानिंग, पार्टी की प्रिपरेशन, तैयारियाँ और ये सारी चीज़ें भी रहती है। पर ठीक है, इट्स ओके, हम अपने आप के लिए करते,
और आपका जितना सपोर्ट है वो काफ़ी मतलब मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है, और थैंक यू, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ। तो यहाँ पर फाइनली मेरा बहुत सारा काम हो गया और बिरयानी बन गई, तो फिर मम्मी भी यहाँ पर आ गई, और मम्मी को पता है कि अभी मैं गुस्सा करूँगा इसलिए वो चुपचाप से चली गई, बट ठीक है, इट्स ओके। वो भी कभी कभार गई तो मैंने भी कुछ बोला। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, और कुछ इस तरह से मैंने प्रिपरेशन की थी, और नेक्स्ट ब्लॉग सेलिब्रेशन का होने वाला है, तो उस ब्लॉग को ज़रूर देखना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ब्लॉग में बने रहिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करना।